प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। किसी वस्तु की प्रत्यास्थ तथा गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है तथा उष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। अतः ध्वनि तथा उष्मा ऊर्जा के ही स्वरूप है। जब कोई वस्तु बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, अतः प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा भी ऊर्जा का ही स्वरूप है, जिनका रूपांतरण एक दूसरे में किया जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जिनमें विद्युत बल्ब है, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश का रूपांतरण, विद्युत सेल से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मोमबत्ती से रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश तथा प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है इससे प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि, सितार वाद्य यंत्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि, भाप पेट्रोल डीजल इंजन ये जो है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। इस प्रकार से ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम है उसमें है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्वरूप बदला जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस प्रकार से जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा का भी है कि पृथ्वी तल में अगर गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र गति करते हुए पिंड की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा नियत इस प्रकार से घर्षण आदि अन्य बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा सदैव ही नियत रहती है। अब हम बात करते हैं संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या है? वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है उन्हें संरक्षी बल कहा जाता है। जब एक बल किसी पिंड पर आरोपित किया जाता है तो यह पिंड इस बल के कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित हो जाता है तो यह आरोपित बल संरक्षी बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल आदि को संरक्षी बल कहा जाता है। इन बलों के कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन बलों द्वारा किया गया कार्य का मान विस्थापन में अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। इन बलों के संचित ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है। ऐसे है दूसरा असंरक्षी बल, वे बल जिनके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित करने में किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है उन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। जैसे श्यान बल, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का मान वेग या निर्भर करता है किसके द्वारा वस्तु को विस्थापित किया गया है। इन बलों की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इन बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इन बलों द्वारा एक बंद पथ पर किया गया कार्य का मान शून्य होता है। इन बलों के कारण अब हम आते हैं कोलिजन, संघट क्या है? जब गति करते हुए दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो इस घटना को संघट कहा जाता है। तीन प्रकार के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ संघटन। यदि संघट के दौरान निकाय का रेखीय संवेग एवं कुल ऊर्जा दोनों नियत रहते हैं तो इसे प्रत्यास्थ संघटन कहा जाता है। जैसे परमाणु अणुओं मूल कणों के बीच संघट, अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट जो है यदि
संघट के दौरान विकाय कार्य की संवेग जो नियत रहता है परंतु कुल गति ऊर्जा नियत नहीं रह पाती तो इसे अप्रत्याश संघट, जैसे क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना, ये अप्रत्याश। पूर्णतया अप्रत्याश संघट, यदि संघट करने वाली दोनों वस्तुएं संघट के पश्चात परस्पर चिपक जाती तो एक वस्तु दूसरी वस्तु में धंसकर एक ही वस्तु की भांति करने लगती है, या पूर्णतः अप्रत्याश संघट कहलाता है। जैसे बंदूक से गोली निकली, गोली का लकड़ी गुटके से टकराकर उसमें धंस। आज इतना ही, धन्यवाद।